पूरी सिनेमा पर्दे पर ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि जब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्में सिरे से नकारी गई हो और बलमुआ तोहरे खातिर उन्हीं में से एक फिल्म है। फिल्म का ठंडा रिस्पॉन्स देखकर यही लग रहा है कि इस फिल्म से दर्शकों को कोई अच्छी खासी उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि फिल्म में पवन सिंह बने हैं एक फौजी ऑफिसर और उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है ख्याति सिंह। फिल्म में एक दमदार भूमिका में पवन सिंह तो हैं, लेकिन उनका रोल फिल्म में काफी कम है। यानी आप कह सकते हैं कि फिल्म में वो महज गेस्ट अपीयरेंस के लिए हैं, और शायद यही माइनस पॉइंट है इस फिल्म का, क्योंकि फिल्म में जब आप पवन सिंह जैसे सुपरस्टार को लेते हैं तो दर्शकों को इससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाँ, फिल्म महिला प्रधान है, जैसे कि ख्याति सिंह ने अपने किरदार के प्रति पूर्ण न्याय किया है। फिल्म में ख्याति सिंह का किरदार पवन की पत्नी का है। पवन सिंह एक फौजी की भूमिका में है जिसकी हत्या कर दी जाती है, और फिर किस तरह से उनकी पत्नी ख्याति सिंह पूरे फिल्म में अपने पति का बदला लेती है, यही फिल्म में दर्शाया गया है। जब तक पवन सिंह फिल्म में है, फिल्म पूरी तरह से बंधी हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही पवन सिंह फिल्म से आउट होते हैं, यानी कि उनका रोल खत्म होता है, और फिल्म भी पूरी तरह से हाथ से छूटती हुई नजर आती है। फिल्म में ख्याति सिंह का कुछ एक्शन सीन है जिसे वो साड़ी पहने हुए ही करती हैं, जो देखने में काफी अजीब तो लगता है, लेकिन बेढब और बेकार नहीं। फिल्म के विलेन संजय पांडे की इसमें मुख्य भूमिका है भाई, उनके एक्टिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। और साथ ही अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ बतासा चाचा यानी कि मनोज टाइगर के लिए देखिए। फिल्म में उनका रोल बहुत ही उम्दा है और उन्होंने अपने किरदार के प्रति पूर्ण न्याय भी किया है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि फिल्म पूरी तरह से साफ सुथरी बनाई गई है और फिल्म में कहीं भी आपको अश्लीलता नहीं दिखेगी। अगर आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ बैठकर देखना चाहते हैं तो एक बार देखने लायक ये फिल्म जरूर है, और इसलिए इसे 5 में से 2.5 स्टार मिलते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।